Everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the news open analysis for 22nd of January 2022. First of all, let's understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. The first news is very important. अगर आप कभी भी इंडिया गेट गए होंगे तो आपने वहां पर देखा होगा एक फ्लेम हमेशा जलता रहता है, that is called as अमर जवान ज्योति. अभी recently decide किया गया है कि जो अमर जवान ज्योति है उसको मर्ज कर दिया जाएगा along with National War Memorial का जो फ्लेम है उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा. Now, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है that is called as National War Memorial, इसको recently इंडिया गेट के ही कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाया गया है. अभी हम इसके बारे में प्रॉपर्ली समझेंगे, ठीक है. तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया. सेकंड विल टॉक अबाउट लिविंग रूट ब्रिजेस जो कि मेघालय के अंदर प्रेजेंट है. और रिसेंटली बात की जा रही है कि जो यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है इसको मतलब इस चीज के लिए इसको रिकमेंड किया गया, ठीक है. अभी इसको इस चीज का रिकॉग्निशन मिला नहीं है, जब मिलेगा तो हम उसके बारे में दोबारा समझेंगे, बट फिलहाल के लिए इसको रिकमेंड किया गया कि वो चीज मिलना चाहिए इसको, ठीक है. तो हम इसके बारे में समझेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बॉडी है उसने रिसेंटली 3D वर्चुअल डिप्लोमेसी का सहारा लिया है. व्हाट इज कॉल्ड एज 3D वर्चुअल डिप्लोमेसी? देखिए, आपने VR टेक्नोलॉजी के नाम सुना, डेफिनेटली सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल रियलिटी, ठीक है. जो ये वर्चुअल रियलिटी होता है उसमें क्या होता है, एक हेडसेट को पहन करके आप एक वर्चुअल एक टाइप की वर्चुअल वर्ल्ड या फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं. तो इसी पर्टिकुलर चीज को यूज करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोलंबिया, देखिए कोलंबिया एक टाइप की साउथ अमेरिकन कंट्री है, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एक पीस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है. तो उस पर्टिकुलर पीस प्रोसेस को प्रॉपर्ली मतलब चेक किया है, ठीक है, कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. यह काम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने किया और पहली बार यहां पर वर्चुअल डिप्लोमेसी हुई है, इसलिए हम इसको समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि इंडिया ने भी कुछ प्रोजेक्ट्स को यहां पर असिस्ट करने की बात की है मॉरिशस के अंदर, ठीक है. तो हम इसके बारे में प्रॉपर्ली बात करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट कि जो फ्लेम था, जो अमर जवान ज्योति का जो फ्लेम था उसको मर्ज कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल के फ्लेम के साथ, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक. देखिए, होता क्या है कि 1971 का जो लिबरेशन वॉर होता है बांग्लादेश के साथ, आपको ध्यान होगा 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, राइट. दैट पर्टिकुलर वॉर इज एक्चुअली कॉल्ड एज लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश, बिकॉज इस पर्टिकुलर वॉर के बाद जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो पूरी तरीके से टूट गया और वहां पर एक न्यू कंट्री बन गई, दैट इज कॉल्ड एज बांग्लादेश. तो इस पर्टिकुलर वॉर के बाद क्या होता है, जो हमारी उस टाइम की प्रेसिडेंट थी मिसेज इंदिरा गांधी, उन्होंने एक अमर जवान ज्योति नाम का एक कंसेप्ट है, एक फ्लेम को इनॉग्रेट किया था, ठीक है, जो कि इंडिया गेट के कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाया गया था, ठीक है. अब देखिए, इसी चीज को यहां पर फिलहाल न्यूज यह है कि इस चीज को अभी मर्ज कर दिया गया है अलॉन्ग विद नेशनल वॉर मेमोरियल का जो फ्लेम है उसके साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है. अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा. तो आई होप आप न्यूज समझ गए कि जो अमर जवान ज्योति है उसका फ्लेम को यहां पर मर्ज कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल के फ्लेम के साथ. देखिए, ये पर्टिकुलर जो अभी जो सेरेमनी हुई है दैट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय एयर मार्शल बी आर कृष्णा, जो अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो हमारे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बिल्कुल चीफ है, ठीक है. उन्होंने इस चीज को किया है, जहां पर उन्होंने क्या किया, जो अमर जवान ज्योति का जो फ्लेम थी उस चीज को वहां से लेकर गए और नेशनल वॉर मेमोरियल के फ्लेम के साथ वहां पर मर्ज कर दिया गया. इसके अलावा जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जो इंडिया गेट है वहां पर एक सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू बनाया जाएगा, ठीक है. तो ये एक्चुअली एक टाइप का काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अभी आपको मालूम होगा कि 2022 जो है वो सुभाष चंद्र बोस के जो 125th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है. तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए एक सिंबल के रूप में उनका स्टैचू बनाया जा रहा है इंडिया गेट के पास में. नाउ देखिए, ये चीज हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए ऑब्वियसली उनकी 125th अगर बर्थ एनिवर्सरी है तो यूपीएससी के लिए भी काफी हॉट टॉपिक बन जाता है, ठीक है. तो आपको यहां पर जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री को इस बार मतलब ध्यान से आपको जब भी करना होगा तो आप वहां पर सुभाष चंद्र बोस का जो टॉपिक होगा उसको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज यहां से हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल. अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, अगर आप सबसे पहले नेशनल वॉर जो हमारे यहाँ पास मेमोरियल है उसको अगर प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करें तो उसको पहली बात तो इंडिया गेट के कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाया गया, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है. अगर आप इसकी फोटो देखेंगे, दिस इज नेशनल वॉर मेमोरियल, और यहां पर देखिए आप इंडिया गेट देख सकते हैं, ठीक है. इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको बनाया गया. नाउ ये जो मेमोरियल है यहां पर टोटल 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स? इसका सीधा सा मतलब होता है कि फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल उसके बाहर, थर्ड सर्कल उसके बाहर एंड फोर्थ सर्कल उसके बाहर, दिस इज कॉल्ड एज कंसेंट्रिक सर्कल्स. देखिए, जो पहला सर्कल है दैट इज कॉल्ड एज अमर चक्र, दैट इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इमोर्टैलिटी. Second is called as Virta Chakra, that is called as circle of bravery. Third is called as Tyag Chakra, that is called as circle of sacrifice. And finally we have Rakshak Chakra, that is called as circle of protection. Now again, अब इस चीज को correlate करने की कोशिश कीजिए. This is जब first circle, this is called as circle of immortality, that is the Amar Chakra, ठीक है. इसी के अंदर यहाँ पर वो flame था जिस चीज को यहाँ पर India Gate के flame के साथ merge किया गया है, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है, first is Amar, Virta, Tyag and Rakshak, ठीक है. इसके अलावा जो ये particular memorial है यहाँ पर जितने भी हमारे परमवीर चक्र awardees हैं, अच्छा first of all what is परमवीर चक्र? This is the highest military honor जो एक particular person को मिल सकता है, जो army, navy या फिर airforce का हो उनको ये particular award मिल सकता है उनके bravery के लिए, ठीक है. ये highest award है, इससे कोई बड़ा award नहीं है इंडिया के अंदर militarily. और सेकंड चीज, ये सिविलियंस को नहीं मिल सकता, ठीक है. आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है. तो इंडिया के अंदर टोटल 21 लोगों को अभी तक परमवीर चक्र मिला हुआ है. तो जितने भी परमवीर चक्र अवार्डीज है ना उन सबके बस्ट बनाए गए हैं. व्हाट इज बस्ट?
देखिए इस पर्टिकुलर डिवाइस को ध्यान से देखिए, दिस इज कॉल्ड एज अ बस्ट। बस्ट का मतलब होता है एक उनका स्ट्रक्चरिंग बनाई गई है, मतलब उनकी मतलब उनको एक टाइप के स्टैचू के अंदर शो करने की कोशिश की है। बट बस्ट का मतलब होता है जहां पर जो लोअर जो हाफ ऑफ द बॉडी होती है वो उसको उसको शो नहीं करते हैं, सिर्फ जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी होती है सिर्फ उसको शो किया जाता है। देखिए दिस इज ऑल्सो बस्ट एंड दिस इज ऑल्सो बस्ट, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं टोटल 21 हमारे परमवीर चक्र बॉडीज हैं, उन सबके बस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज परम योद्धा स्थल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है परम योद्धा स्थल इज अ पार्ट ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अमर जवान ज्योति का पार्ट नहीं है, इस पर्टिकुलर मेमोरियल का पार्ट है। तो आई होप आप समझ गए। देखिए यहाँ पर टोटल चार सर्कल्स हैं, देखिए दिस इज द फर्स्ट सर्कल, दिस इज द सेकंड सर्कल, दिस इज द थर्ड सर्कल एंड दिस इज द लास्ट वन जो आप देख रहे हैं जिसके आसपास ट्रीज हैं, दिस इज द फोर्थ सर्कल, ठीक है। ये चारों सर्कल्स हैं यहाँ पर। अब देखिए इसके अलावा जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ये देखिए एक तो हमारे जितने भी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो लोग हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है उसको ये प्रॉपर्टी ऑनर करता है। इसके अलावा देखिए वो सारे के सारे सोल्जर्स, वो सारे के सारे फोर्स के लोग या फिर डिफेंस फोर्स के लोग जो कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंदर गए थे और वहां पर जाकर मार्टिर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनको यहाँ पर ऑनर किया गया, उनके नेम्स को भी यहां पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा वो सारे सोल्जर्स जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ जो कि एचएडीआर नाम का ऑपरेशन होता है इसके अंदर गए थे और वहां पर वो शहीद हो गए, उनका नाम भी यहां पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में गए थे या फिर जो भी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन में भी गए थे, मतलब इन चारों में से कोई भी किसी भी पर्टिकुलर टाइप के ऑपरेशन में अगर वो गए थे और वो शहीद हो जाते हैं उन सबका नाम यहां पर इस पर्टिकुलर फ्लेम के अंदर यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, देखिए दिस इज द वे उनके नाम मेंशन किए गए हैं, जहां पर हर एक सोल्जर को एक सिंगल ब्रिक दिया गया है, उसके ऊपर उनका नाम लिखा हो गया है, वहां पर उनका रैंक लिखा गया है, ठीक है। दिस इज हाउ दे हैव बीन ऑनर्ड इन नेशनल वॉर मेमोरियल। अब इंडिपेंडेंस के बाद देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद अराउंड 25,000 पर्सनल को हमने लूज कर दिया, मतलब इतने लोगों की डेथ हो चुकी है, इतने लोग शहीद हो गए हमारे सिर्फ इंडिया के। देखिए पहले सबसे पहले हमारा इंडिया चाइना वॉर वो 1962 के बीच में, और फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे तो हमने ऑलमोस्ट अभी चार हमने वॉर्स यहां पर फाइट किए, 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था चारों इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी। इसके अलावा जब श्रीलंका के अंदर इशू चल रही थी उस टाइम हमने जो अपने पीस कीपिंग ऑपरेशंस भेजे थे, जो हमने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे थे उसके अंदर भी हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे, तो इन सब के नाम को भी यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो चार थे यहां पर, पहला तो जो यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन है, सेकंड जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ है, थर्ड जितने भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, फोर्थ जितने भी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है, इसके अलावा जो इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर और जितने भी पीस कीपिंग फोर्सेस हमने भेजे थे, इन सब के अंदर जितने भी हमारे डिफेंस ऑफिशियल, जितने भी हमारे लोग, जितने भी हमारे ऑफिसर्स एंड जवान्स जो कि शहीद हो गए थे उन सब के नाम को यहां पर ऑनर किया गया है, उन सबको यहां पर ऑनर करने के लिए उनके नाम यहां पर लिखे गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम हल्का सा हिस्ट्री चेक करें तो जो नेशनल वॉर ये पर्टिकुलर चीज जो है इसका प्रपोजल, इसको बनाने का प्रपोजल 1960 से ही लगातार चल रहा था, बट इसको उस टाइम रिकमेंड नहीं किया गया था। रिसेंटली 2015 के अंदर जो कैबिनेट था हमारा उसने इसको अप्रूवल दे दिया था, और उसके बाद 2016 के अंदर चेन्नई की एक कंपनी थी, दैट इज कॉल्ड वेबी डिजाइन कंपनी, वेबी डिजाइन लैब, उस चीज को सेलेक्ट किया गया था इस पर्टिकुलर एरिया को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इस चीज को मतलब बनाया जाता है और नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर इन सारे प्लेसेस को, इन सारे के साथ जितने भी सोल्जर्स थे उनको प्रॉपर्ली ऑनर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जब से ये पर्टिकुलर चीज बनी है ना, तब से जितने भी होमी सेरेमनीज होती है जहां पर जब भी हमें सोल्जर्स को यहां पर ऑनर करना होता है तो हर बार हम इसी पर्टिकुलर प्लेस पे आते हैं, अब हम अमर जवान ज्योति के वहां पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमर जवान ज्योति एक है और सेकंड वहां पर नेशनल वॉर मेमोरियल है, तो जब भी जितने ऑफिशियल जाते हैं वो हमेशा नेशनल वॉर मेमोरियल के पास ही जाते हैं, अमर जवान ज्योति के पास नहीं जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो एक रिकमेंडेशन आया था कि जो अमर जवान ज्योति है उसको आप यहां पर एक्सटिंग्विश कर दो, मतलब उसके फ्लेम को यहां पर बुझा दो और इसके फ्लेम सिर्फ जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसके फ्लेम को जलने दो, बट इस चीज को फिलहाल के लिए मना किया गया है, बोला गया है कि अमर जवान ज्योति को आप नहीं जा रहे हैं, दैट इज ओके, बट आप इसका फ्लेम बुझाइए मत, इसको आप पूरी तरीके से जलने दीजिए, ठीक है। इट शुड बी केप्ट बर्निंग, और कभी कभी जो भी सेरेमोनियल ओकेजंस होंगे या फिर कोई ऑफिशियल विजिट्स होंगे तो उसके टाइम में हम यहां पर अमर जवान ज्योति के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि हम या तो यहां जाएंगे फिर वहां जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तरफ भी जा सकते हैं। अब हम इसके बाद थोड़ा सा इंडिया गेट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इंडिया गेट की बात करेंगे, उसको डिजाइन किया गया था सर एडविन जो ल्यूटेंस थे, जो मतलब 1931 के बीच में मतलब आसपास उनको डिजाइन किया गया था, और लॉर्ड इरविन ने उस टाइम उनको अनवील किया था, उस टाइम उसको मतलब इनॉग्रेट किया था, ठीक है। अब देखिए ये जो बनाया गया था 1914 से लेकर 1921 के बीच में, 1914 में आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था जिसके अंदर हमारे ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि सारे के सारे इंडियंस थे और बहुत सारे उनमें से शहीद हो गए। तो 1941 से लेकर 1921 के बीच में जितने भी सोल्जर्स हमारे शहीद होते हैं ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स, उन सबको ऑनर करने के लिए दैट वर एक्चुअली मोर देन 83,000 सोल्जर्स, उन सबको ऑनर करने के लिए इस पर्टिकुलर इंडिया गेट को बनाया गया था, ठीक है। अगर आप इसका पिक्चर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, दिस इज एक्चुअली इंडिया गेट, ठीक है। अगर आप इंडिया गेट को ध्यान से देखिए तो जितने भी आप ये देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पर आप ब्रिज देख सकते हैं, हर एक के ऊपर यहाँ पर नेम्स लिखे हुए हैं। अगर आप इंडिया गेट गए होंगे तो आपने यहाँ पर अपनी आंखों से देखा होगा कि यहाँ पर कितने सारे नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर दोनों तरफ से भरा हुआ है, ठीक है। सो वी लॉस्ट अराउंड 83,000 इंडियन सोल्जर्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इन 1914 से लेकर 1921 के बीच में, ठीक है। दैट वॉज द बिगेस्ट लॉस दैट एक्चुअली वी फेस्ड।
नाउ अराउंड 13,000 नेम्स इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर लिखे हुए हैं. देखिए 83,000 सोल्जर्स को हमने अराउंड लूज किया था और उसमें से 13,000 नेम्स जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं. अगर आप देखिए स्टार्टिंग में सिर्फ यहाँ पे इंडिया गेट हुआ करता था, ठीक है. इंडिया गेट का पास जो ये वाला पार्ट है ना वो स्टार्टिंग में नहीं हुआ करता था, ठीक है. अमर जवान ज्योति स्टार्टिंग में नहीं हुआ करता था, सिर्फ स्टार्टिंग में ये वाला स्ट्रक्चर हुआ करता था. उसके बाद क्या होता है 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है उस टाइम क्या होता है, जो हमारी इंदिरा गांधी थी जो उस टाइम की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि जो 1971 के बीच में जितने भी सोल्जर्स जो कि मार्टियर हो गए, जो कि शहीद हो गए हैं, उनको भी एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको प्रॉपर होमेज मिलना चाहिए. इसी चीज के लिए एक अमर जवान ज्योति को सेटअप करने का फैसला किया गया इसी मतलब पार्ट में, यानी कि इंडिया गेट के बिल्कुल बेस के अंदर, ठीक है. उसी चीज के लिए यहां पर इस पर्टिकुलर चीज को यहां पर बनाया जाता है, जिसका आप स्ट्रक्चर यहां देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अमर जवान ज्योति. अगर आप अमर जवान ज्योति को ध्यान से देखेंगे, दिस एक्चुअली सिग्निफाइज अ अननोन सोल्जर, ठीक है. इसे कहते हैं अननोन सोल्जर, ठीक है. अननोन सोल्जर को अगर आप सिंपल समझेंगे तो यहां पर एक इन्वर्टेड गन है, ठीक है, इन्वर्टेड गन, और इसके ऊपर सोल्जर की कैप होती है वो रखी हुई है, ठीक है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अननोन सोल्जर. तो देखिए 1972 में 26 जनवरी को डिसाइड किया जाता है कि अननोन सोल्जर का एक मेमोरियल बनाया जाएगा, जहां पर एक इन्वर्टेड गन रखा जाएगा और उसके ऊपर एक हेलमेट रखी जाएगी. दिस इज द मतलब थिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है. और 1971 का जो हमारा वॉर हुआ था, जिसमें इंडिया जीती थी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को डिवाइड हो गया था, मतलब और एक बांग्लादेश नाम की नई न्यू कंट्री बनती है, इसी चीज को यहां पर सिग्निफाई करने के लिए, उन सारे सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए इस पर्टिकुलर चीज को अमर जवान ज्योति को बनाया गया था. तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है और जो न्यूज था आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट द लिविंग रूट ब्रिजेस जो कि मेघालय के अंदर प्रेजेंट है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पर्टिकुलर पिक्चर, आप जहां पे आप देख सकते हैं, देखिए दिस इज अ रबर ट्री, ठीक है, एक टाइप का ये इंडियन रबर ट्री है, जिसके यहां पर रूट्स को यहां पर इंटरमिंगल करके इस पर्टिकुलर प्लेस को बनाया गया, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को बनाया गया है, जहां पर इसको ब्रिजेस की तरह यूज होता है. दिस इज कॉल्ड एज अ डबल डेकर ब्रिज. देखिए जहां पर लोग ऊपर से भी जा सकते हैं और नीचे से भी जा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ डबल डेकर ब्रिज. एंड दिस इज अ काइंड ऑफ मतलब एक टाइप का वर्ल्ड के लिए बहुत ही टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, बिकॉज दिस इज वंस मतलब ये अपने आप में अकेला है, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड, ठीक है. देखिए लिविंग रूट ब्रिजेस का समझते हैं इसके बारे में क्या है. कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने रिसेंटली ये बोला है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग मिलता है उसके लिए इसको रिकमेंड किया गया है कि जो लिविंग रूट ब्रिजेस मेघालय के उसको भी मिलना चाहिए. फिलहाल के लिए मिला नहीं है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है. सेकंड चीज देखिए, लिविंग रूट ब्रिजेस को जिंग क्रिंग ज़िरी भी बोला जाता है. ध्यान होगा हमने इसके बारे में बात की हुई है, जिंग क्रिंग ज़िरी भी इसको बोला जाता है. एक टाइप के एरियल ब्रिजेस होते हैं, एरियल ब्रिजेस का मतलब होता है जिसको हवा में बनाया जाता है, जिसको और जो हमारा इंडियन रबर ट्री होता है ना उसको वीव करके, उसको मैनिपुलेट करके, इस पर्टिकुलर रूट्स को मतलब उसके रूट्स को वीव करके मैनिपुलेट करके इस चीज को बनाया जाता है. नाउ देखिए इसको बनाने के लिए किसी भी टाइप के मॉडर्न नॉलेज को यूज नहीं किया जाता है, इट इज बिल्ट यूजिंग ट्रेडिशनल ट्राइबल नॉलेज, ठीक है, जो मतलब हजारों सालों से इस चीज को लगातार बनाते आ रहे हैं, उसी पर्टिकुलर नॉलेज को यूज करके इस पर्टिकुलर लिविंग रूट ब्रिजेस को बनाया जाता है. अब जो आपका इंडियन रबर ट्री है ना, अब वो मेघालय के एरियाज में बहुत ही अबंडेंस में पाया जाता है. तो आपको देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज ध्यान रखना है. देखिए आपको ये कभी ध्यान नहीं रखना होता है कि रबर का प्लांट कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाएगा, आपको यहाँ पर एरियाज मालूम होने चाहिए. देखिए आपको ये पता है कि नेचुरल रबर जो हमारे ग्रो करता है इंडिया के अंदर, दैट इज एक्चुअली मैक्सिमम इन केरला, ठीक है. केरला को हमारा मतलब रबर का इंडस्ट्री बोला जाता है, बिकॉज वहाँ पर सबसे ज्यादा रबर के प्लांट्स मिलते हैं. बट साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है, स्पेशली जो असम और मेघालय वाला पार्ट है, वहां पर भी इंडियन रबर ट्री बहुत ही ज्यादा अबंडेंटली पाया जाता है, काफी ज्यादा मोटे पाया जाता है, ठीक है. तो आपको ये भी ध्यान रखना है. अब देखिए ये जो पर्टिकुलर रबर ट्री होता है, ये जो पर्टिकुलर जो रबर ट्री का जो ब्रिजेस होते हैं, रूट्स होते हैं ना, उस चीज को यहां पर क्या होता है, लेटरली, लेटरली का मतलब होता है मतलब इस तरीके से, ठीक है. देखिए दिस इज वर्टिकली एंड दिस इज लेटरली, ठीक है. लेटरली का मतलब होता है इस तरीके से, एक किसी भी कोई भी रिवर वगैरह है, रिवर वगैरह को पार करने के लिए, जैसे आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं, देखिए नीचे से एक रिवर निकल रही है, इस रिवर को पार करने के लिए इस पर्टिकुलर चीज को क्या हुआ, इस लेटरली यहां पर इस चीज को इंटरमिंगल किया गया है और उस तरीके से इस चीज को बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है. इसका अगर आप मतलब इसकी अगर आप हाइट या फिर विड्थ देखना चाहेंगे तो ये अराउंड 1500 से लेकर 250 फीट तक हो सकते हैं. एंड इसको बनाने में कभी कभी सेंचुरीज लग जाते हैं, मतलब 100 साल से ज्यादा लगते हैं. ऑब्वियसली बात है, देखिए रूट हमेशा, देखिए रूट जो होती है ना वो हमेशा अपने स्पीड से ग्रो करती है. अगर हम उसे इंटरमिंगल करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि अपना बहुत ही फास्ट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा. क्या होता है कि एक जनरेशन यहां पर देखिए, मान लीजिए 2 से 3 रूट को यहां पर आपस में इंटरमिंगल करती है, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो उसे और ज्यादा इंटरमिंगल करती है. दिस इज हाउ इट गोज, ठीक है. और करते करते 1 से 2 जनरेशन के बाद एक्चुअली ये पर्टिकुलर यहां के जो रूट्स होते हैं वो यहां तक पहुंचते हैं और यहां के जो रूट्स होते हैं इसके साथ वो इंटरमिंगल करना स्टार्ट होते हैं और फास्ट मतलब बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक टाइप की बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है. अगर आप इसकी बात करेंगे, these have been serving as connectors for generation. काफी generation से ये लगातार connectors की तरह काम कर रहे हैं. यहाँ पर 2 areas को ये connect करने का काम करते हैं. मान लीजिए 2 areas जो कि रिवर से सेपरेटेड है, उन दोनों को ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, स्पेशली मेघालय के बीच में. अब सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है कि मेघालय में ही पाया जाता है, मेघालय के अलावा ये कहीं और नहीं पाया जाता है, मेनली बेसिकली, ठीक है. मतलब एक या दो कहीं हो सकते हैं, बट मेघालय में बेसिकली अगर आपको लिविंग रूट ब्रिजेस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको आंख बंद करके मेघालय का ही आंसर मानना है उस टाइम में, ठीक है. अब ये ब्रिजेस जो है बेसिकली जैसा हमने बात की, स्ट्रीम्स और रिवर्स को यहाँ पर पार करने में हेल्प मतलब करता है, और इसके अलावा ये वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह भी काम करते हैं. अब देखिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड रिवाई रूट ब्रिज
सेकंड इज कॉल्ड एज उनशियांग डबल डेकर ब्रिज. तो जो आप अभी जो आप इमेज देख रहे थे जहां पर डबल डेकर ब्रिज था, दैट इज मतलब एट अ प्लेस कॉल्ड एज उनशियांग. इसके अलावा एक रिवाई प्लेस प्रेजेंट है. तो आपको देखिए यहां से आपको एक चीज और ध्यान रखना है. तो आपने देखा कि रूट ब्रिजेस जो होते हैं सिर्फ मेघालय के अंदर पाए जाते हैं. इसके अलावा सेकंड चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो रिवाई और उनशियांग ये दोनों प्लेसेस हैं, ये भी दोनों मेघालय के अंदर ही प्रेजेंट है. नाउ थर्ड थिंग कि क्यों ये पर्टिकुलर चीज को, क्यों इस चीज को यहां पर एक टाइप के ब्रिज की तरह यूज किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी तीन मेन प्रॉपर्टीज होती है जो इंडियन रबर ट्री होती है उनकी. फर्स्ट इज उनके जो रूट्स होते हैं बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं. इलास्टिक होते हैं मतलब उसको आप किसी भी तरीके से फोल्ड अप कर सकते हो, ठीक है. सेकंड चीज वो इजिली कंबाइन हो जाती है, मतलब आप तो आप उनको कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बना सकते हो. एंड थर्ड चीज ये बहुत ही रफ एंड रॉकी सॉइल्स के अंदर ग्रो करते हैं. इससे क्या होता है कि अगर कितना भी आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे ना, ये रूट्स मतलब यहाँ पर बाहर नहीं निकल जाएंगे. काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ एक्चुअली ये जमीन के अंदर वो होती है, ठीक है, जमीन के अंदर गई होती है. इसी कारण ये काफी ज्यादा लोड अपने ऊपर सह सकती है. सो ये था हमारा लिविंग रूट ब्रिजेस के बारे में. आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड टॉपिक दैट टॉक्स अबाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिसेंटली एक वर्चुअल डिप्लोमेसी की है, दैट इज 3D वर्चुअल डिप्लोमेसी, ठीक है. इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्जैक्टली है क्या. देखिए 20 जनवरी को क्या होता है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं वो एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप पे गए थे टू कोलंबिया, ठीक है. कोलंबिया एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है. पहले हम इसका लोकेशन देखते हैं. देखिए अगर आप कोलंबिया को देखेंगे, दिस इज साउथ अमेरिकन कंट्री, ठीक है. साउथ अमेरिका की जो बिल्कुल टॉप मोस्ट कंट्री है, जो बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में प्रेजेंट है. देखिए आपको ध्यान होगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो ये दो प्लेसेस हैं, ये दोनों एक ऐसे प्लेस से यहाँ पर कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड एज पनामा. दिस इज पनामा, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है पनामा जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को यहाँ पे कनेक्ट करता है. आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज पनामा, और पनामा का जो साउथ अमेरिका का जो फर्स्ट कंट्री है जिसे वो टच करता है, दैट इज कोलंबिया, ठीक है. अब देखिए कोलंबिया के अगर आप नेबर्स देखना चाहते हैं तो कोलंबिया के ऊपर साइड में वेनेजुएला है, नीचे ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, सिर्फ ये चार कंट्री है और एक साउथ अमेरिका से, सेंट्रल अमेरिका से एक आता है, दैट इज कॉल्ड एज पनामा. टोटल पांच कंट्री ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली कोलंबिया को टच करती है. नाउ कोलंबिया के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, यानी इस साइड में यहाँ पर नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन है, आप देख सकते हैं दिस एंटायर थिंग इज नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन. और अगर ये बड़ा ओशन देखेंगे दिस इज अटलांटिक ओशन. बट अगर आप इमीडिएटली सी देखना चाहते हैं यहाँ पर, दीज आर कैरेबियन कंट्रीज जिसे आप एंटिलीज भी बोलते होंगे, आपने सुना होगा. यहाँ पर पांच ऐसे जो आइलैंड्स हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्रेटर एंटिलीज, और जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं दे आर कॉल्ड एज स्मॉलर एंटिलीज, ठीक है. आप देख सकते हैं दीज आर लेसर एंटिलीज, और इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी एंटिलीज है दे आर कॉल्ड एज ग्रेटर एंटिलीज. नाउ इन सब एरियाज को, इस एरिया को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कैरेबियन सी. यहाँ पर जो वाटर बॉडी प्रेजेंट है दिस कॉल्ड एज कैरेबियन सी. क्यों? बिकॉज यहाँ पर कैरेबियन कंट्रीज प्रेजेंट है, ठीक है. इन देखिए ये कैरेबियन कंट्रीज प्रेजेंट है, इन्हीं कैरेबियन कंट्रीज के कारण यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया को कैरेबियन सी बोला जाता है. तो एक तरफ देखिए बेसिकली इसकी पैसिफिक ओशन है और एक तरफ से इसकी कैरेबियन सी है, ठीक है. और अगर आप लार्जर देखेंगे तो दिस इज अटलांटिक सी. तो ये था हमारा कोलंबिया का मैपिंग. आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई. अब देखिए जो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो रिसेंटली वर्चुअल फील्ड ट्रिप पे गए हैं, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को यूज किया है, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, यानी कि वीआर टेक्नोलॉजी. अब इस वर्चुअल ट्रिप पे उन्होंने क्या किया, दे एक्चुअली ट्राइड टू लिसन, दे वॉच्ड एंड दे गॉट इनसाइट्स इनटू द पीस प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन इन कोलंबिया. एक्जैक्टली कोलंबिया के अंदर सिचुएशन कितनी खराब है, कितनी अच्छी है, और किस तरीके से पीस प्रोसेस काम कर रहा है, इन सब चीजों को उन्होंने वर्चुअली चेक करने की कोशिश की. अब देखिए थर्ड चीज आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है, दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि जिसका एक्चुअली हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि यूएसए के अंदर प्रेजेंट है, उसने वीआर टेक्नोलॉजी को यूज किया है अपने सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन में. आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ. नो ये जो इनोवेटिव सॉल्यूशन है ये एक्चुअली काफी हेल्प करेगा हमें कि मतलब डिफरेंट टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिफरेंट टाइप के पीस कीपिंग ऑपरेशंस को या फिर पीस बिल्डिंग ऑपरेशंस को एक बेटर मैनर में समझने के लिए. अगर आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखना चाहते हैं, देखिए कोविड के टाइम में अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ज्यादा फील्ड विजिट्स नहीं हो पाई. फील्ड विजिट्स का मतलब क्या होता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर जाकर मुआयना करते हैं, चेक करते हैं कि एक्जैक्टली वहां पर सारा काम प्रॉपर्ली हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, ठीक है. उसी चीज को यहाँ पर देखिए कोविड के कारण 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर वीआर टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज करें तो यहाँ पर फिर से हम इस चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर ऑफिसर्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में बैठे बैठे वो चीजों को देख सकते हैं. नाउ थोड़ा सा हम शॉर्ट में वीआर टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक टाइप का हेडसेट आप बोल सकते हैं, जो कि एक्चुअली वीआर बॉक्स होता है, और इसे वीआर बॉक्स के अंदर आपको मतलब अलग अलग चीजें दिखाई देती है, ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा दिखाई देगा. नाउ देखिए यहां पर अगर आप टेक्नोलॉजी को देखेंगे, दिस इज वेयर मतलब हमारी आईज यहां पर रखी जाती है, ठीक है. उसके अलावा यहां पर देखिए कितने लेंसेज, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 लेंसेज होते हैं, जो डिफरेंट लेंसेज के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर टाइप का वर्चुअल एनवायरमेंट मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. नाउ देखिए इसके अंदर अगर देखेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और मतलब दो यहां पर लेयर्स होते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की, और फाइनली लास्ट में जो होता है जो भी आप यहां पर चीजें लगाएंगे, जैसे आप अगर अपना फोन लगाएंगे या फिर लैपटॉप को अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहेंगे, किसी भी तरीके से आप यहां पर एक वर्चुअल एक्सपीरियंस पूरी तरीके से मतलब लिव कर सकते हैं, ठीक है, एक वर्चुअल एक्सपीरियंस आप जी सकते हैं. अब इस टाइप की जितनी भी डिजिटल डिप्लोमेसी होती है, जहां पर आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिजिप्लोमेसी, ठीक है. तो डिजिप्लोमेसी का मतलब क्या है, डिजिटल डिप्लोमेसी. तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, ठीक है. डिजिप्लोमेसी जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टर्म्स में पहली बार यूज किया गया है, या फिर इसे हम ई डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, बट ई डिप्लोमेसी आपको बहुत ही इजीली पता चल रहा है. तो आपको डिजिप्लोमेसी ध्यान रखना है, बिकॉज अगर यूपीएससी के साथ अगर वर्ड प्ले करना चाहे
आएगा तो इसी पर्टिकुलर वर्ड को यूज करेगा. नाउ इट इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर न्यू टाइप का जो आईसीटी होता है, जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है उसको यूज करके, या फिर हम अपने इंटरनेट को यूज करते हैं और अपने डिप्लोमेटिक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव एम्स होते हैं उन सबको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं. इससे अगर आप मेन काम देखेंगे, इसका जो मेन एम होता है दैट एक्चुअली इज अ इंटरप्ले बिटवीन द इंटरनेट एंड डिप्लोमेसी. ठीक है, इंटरनेट और डिप्लोमेसी को मतलब इंटरनेट को यूज करके बेसिकली वो डिप्लोमेटिक मीन्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं. और उसी के बैकग्राउंड में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एक्जैक्टली वीआर होता क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है. देखिए, अगर आप वर्चुअल रियलिटी को समझेंगे तो एक टाइप का सिमुलेटेड एक्सपीरियंस होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमुलेटेड? जो कि एक्चुअल नहीं होता, जो कि रियल नहीं होता, जो कि आर्टिफिशियल होता है. इस टाइप का एक्सपीरियंस होता है जो कि देखिए रियल वर्ल्ड के बहुत ही सिमिलर भी हो सकता है और रियल वर्ल्ड से कंप्लीटली डिफरेंट भी हो सकता है. इसका मतलब क्या है कि वर्चुअल रियलिटी एक्चुअली हमें पूरी तरीके से एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट के अंदर लेके जा सकता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट की फीलिंग दे सकता है. ठीक है, एक्चुअली हम उस आर्टिफिशियल एनवायरमेंट के अंदर जाएंगे नहीं, बट हमें ऐसी फीलिंग आएगी, मतलब एक ऐसी फीलिंग आएगी कि हम इसी टाइप के एक टाइप के आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, अगर आप इसके एप्लीकेशन देखेंगे तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस जैसे कि वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह होती है, इन सब के अंदर ऑलरेडी यूज किया जाता है. देखिए, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जो कि 3D मूवीज होती है. ठीक है, अगर आप घर में बैठ के 3D मूवीज देखना चाहते हैं तो आपको एक हेडसेट यूज करना पड़ता है. राइट, जैसा हमने पीछे वाली इमेज में देखा था उसी तरीके का आपको एक हेडसेट यूज करना पड़ता है और उसके थ्रू आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीजें हो रही है वो बिल्कुल आपके आंखों के सामने हो रही है. ठीक है, दैट इज द मेन एप्लीकेशन, मतलब जिसके थ्रू इसको आपको यूज कर सकते हैं. अगर आप वीआर के अलग अलग सब सेक्शन के बारे में बात करेंगे, देखिए जिस तरह वीआर वर्चुअल रियलिटी होता है उसी तरह एक और कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड रियलिटी, और एक और कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड रियलिटी. देखिए, पहले तो शॉर्ट में समझिए कि वीआर का सीधा सा मतलब है, अगर आप शॉर्ट में समझेंगे, वीआर का मतलब है जहां पर आपको पूरी तरीके से एक आर्टिफिशियल और एक टाइप का एनवायरनमेंट मतलब आपको मिल जाएगा. ठीक है, इसके थ्रू आपको देखिए एक बेटर तरीके से समझ आएगा. वीआर का बेसिकली मतलब है जहां पर आपको आर्टिफिशियल पूरी तरीके से नया मतलब आपको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मिल जाएगा. ठीक है, मतलब आपके आंखों के सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल रियलिटी, जहां पर आप पूरी तरीके से वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इमर्स हो सकते हैं. सेकंड इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड रियलिटी. ऑगमेंटेड रियलिटी इससे थोड़ा डिफरेंट है, जहां पर क्या होता है हमारा जो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट होता है उसी के अंदर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया जाता है. आपने पोकेमॉन गो नाम का गेम सुना है क्या? पोकेमॉन गो, या फिर आपने अगर खेला होगा तो आपको एक अच्छा बेटर आइडिया लग सकता है. इससे क्या होता है, आपका लोकेशन बिल्कुल सेम होता है. ठीक है, आपका लोकेशन चेंज नहीं होता, जैसे कि आपका घर होता है, आपका रोड्स होते हैं, आसपास की लोकेलिटी सब कुछ सेम होती है, बट उसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर कहीं ना कहीं आपको पोकेमॉन्स दिख रहे होते हैं. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे होते हैं आपको उस पर्टिकुलर गेम के. इसका मतलब क्या है, एक रियल एनवायरनमेंट के अंदर एक फिक्शनल कैरेक्टर को पुट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड रियलिटी. एंड थर्ड इज कॉल्ड एज मिक्स्ड रियलिटी, जहां पर क्या होता है हम वीआर के कंसेप्ट को और एआर के कंसेप्ट को दोनों को साथ लेकर चलते हैं, जहां पर क्या होता है हमें मतलब कुछ जगहों पर फुली आर्टिफिशियल मतलब पूरी तरीके से आर्टिफिशियल एक टाइप के एनवायरनमेंट मिलता है, उसी के अंदर हम एक टाइप के आर्टिफिशियल जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उसको डालने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी क्या होता है जहां पर मतलब जो एनवायरनमेंट होता है वो आर्टिफिशियल नहीं होता है, वो रियल होता है, और उसी के अंदर हम अपने फिक्शनल कैरेक्टर को डालने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड रियलिटी. ठीक है, आई होप आपको इन तीनों चीजों के बीच में प्रॉपर्ली डिफरेंस समझ आ गया होगा. नाउ शॉर्ट फॉर्म में अगर आप समझोगे तो एक टाइप का आर्टिफिशियल और कंप्यूटर जनरेटेड एक टाइप का सिमुलेशन होता है, फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसको आप रियल लाइफ सिचुएशन भी मान सकते हैं या फिर उससे डिफरेंट भी मान सकते हैं. मतलब आपको कभी कभी आपको बिल्कुल रियल लाइफ मतलब जैसा लगने लगेगा और कभी कभी आपको पूरी तरीके से डिफरेंट लगने लगेगा. अब जब भी आपको वीआर को अचीव करना है, मतलब आपको वीआर अगर यूज करना है तो हमेशा आपको हेडसेट का यूज करना होता है. जैसे कि फेसबुक ने एक अपना हेडसेट बना रखा है, दैट इज कॉल्ड एज ओक्यूलस. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. देखिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है कि ओक्यूलस एक्जैक्टली क्या है, आपको ध्यान रखना. ओक्यूलस जो है फेसबुक का अपना वीआर टेक्नोलॉजी है. आपको याद होगा पीछे हमने एक पर्टिकुलर इमेज देखी थी. देखिए, इस पर्टिकुलर इमेज देखिए, दिस इज काइंड ऑफ वीआर. ठीक है, वीआर टेक्नोलॉजी को यूज करने का एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, और जो अपना फेसबुक ने बनाया है ना उसने अपना नाम रखा है उस चीज को ओक्यूलस. दिस इज नॉट अ बिग थिंग. ठीक है, थोड़ी सी चीज आपको बस इस चीज को हल्का सा नाम के थ्रू ध्यान रखना है. अब देखिए, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई. इसके अलावा देखिए, जो हमारा वर्चुअल रियलिटी चीज होती है उस चीज को प्रॉपर्ली समझने के लिए एक टाइप का लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज. ठीक है, ताकि इस चीज को और ज्यादा यहाँ पर एडवांस किया जा सके और चीजों को यहाँ पर मतलब और चीजों के एप्लीकेशन इस चीज के अंदर यूज किया सके, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को स्टडी करने के लिए एक टाइप का VRML स्टार्ट किया गया था 1994 के अंदर, जिसका मेन काम ये था कि हमें वर्चुअल वर्ल्ड्स को डेवलप करना है विदाउट डिपेंडेंसी ऑन द हेडसेट. मतलब बिना हम हेडसेट्स को यूज किए, बिना किसी मतलब एक्सटर्नल चीजों के हम डायरेक्टली वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सके. इसी चीज के लिए VRML नाम की एक चीज लॉन्च की गई थी. तो 1994 में क्या हुआ था, इस चीज को लॉन्च किया गया था. 1997 में वेब 3D कंसोर्टियम नाम का एक बॉडी था जिसको फाउंड किया गया था, ताकि इस चीज को आगे बढ़ाया जा सके, इसके ऊपर और भी ज्यादा स्टडीज की जा सके. ठीक है, तो ये तो था हमारा वर्चुअल रियलिटी के बारे में सारा कंसेप्ट. और अब हम थोड़ा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर टोटल 6 बॉडीज होती है. ठीक है, अब 6 टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर होते हैं. आपको
आई होप आपको ध्यान होगा, हमने इसके बारे में बात की थी। देखिए पहला होता है जो उसका यूएन, जो यूएन का जनरल असेंबली होता है यूएनजी, सेकंड होता है यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल होता है, थर्ड इज कॉल्ड एस इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल, फोर्थ इज कॉल्ड एस यूएन का ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ इज कॉल्ड एस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड फाइनली वी हैव यूएन का सेक्रेटेरिएट। दे आर द छह ये ऑर्गन्स होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर है, उसमें से एक जो है दैट इज कॉल्ड एस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसका मेन काम होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को पूरी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसका एक काम यह भी होता है कि यूनाइटेड नेशन में स्पेशली जो यूएन जनरल असेंबली है उसके अंदर किसी अगर न्यू मेंबर को अगर आपको एडमिट करना है, फिर मतलब स्टार्ट करना है, मतलब उसको अगर उसको एडमिशन देना है, तो आपको पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ही परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा यूएन चार्टर जो यूएन का जो रूल बुक है उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए भी आपको पहले सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन लेनी होगी। अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे उसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से पांच जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर होती है, एंड दे आर देखिए चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। ठीक है, आपको ये पांचों कंट्रीज का नाम ध्यान रखना है, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो बाकी 10 मेंबर्स होते हैं वो होते हैं रीजनल बेसिस पे, मतलब चूज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स या फिर टेम्पररी मेंबर्स, जिनको हर एक मेंबर को दो दो साल के लिए वो किया जाता है, चूज किया जाता है। ठीक है, और आपको एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो मंथली होती है और सारे के सारे 15 मेंबर्स के अंदर होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो परमानेंट मेंबर्स है सिर्फ उनको ही यहाँ पर चांस मिलेगा, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको भी चांस मिलता है और हर एक को चांस मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है मंथली, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री को सिर्फ एक महीने के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है, और ये था हमारा थर्ड टॉपिक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट कि इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर असिस्ट करने की बात की है, स्पेशली मॉरिशस के अंदर। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इसको। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उसने रिसेंटली एक कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि बोला गया कि मॉरिशस के अंदर इंडिया उसको हेल्प करने वाला है, इंडिया उनको असिस्ट करने वाला है, इसलिए उन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए, और इस प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर वर्चुअली लॉन्च किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अगर आप मॉरिशस की लोकेशन देखेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर वर्ल्ड मैप देखिए, दिस इज इंडिया। ठीक है, इंडिया के जस्ट नीचे देखेंगे दिस इज ग्रुप ऑफ आइलैंड, दे आर कॉल्ड एज मालदीव्स। मालदीव्स के देखिए अफ्रीका के बिल्कुल यहाँ पे कोस्ट पाएगी, मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइलैंड है दैट इज कॉल्ड एज मेडागास्कर, और मेडागास्कर के जस्ट अगर आप पास में देखेंगे देर आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दे आर कॉल्ड एज मॉरिशस। ठीक है, तो इंडिया और मॉरिशस के बीच में काफी लंबा चौड़ा गैप है, लेकिन मॉरिशस इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, तो इसलिए हम अपनी रिलेशनशिप को मॉरिशस के साथ काफी ज्यादा अच्छा रखना चाहते हैं। अगर आप मॉरिशस को देखेंगे, देखिए दिस इज द जूम्ड इन मैप ऑफ मॉरिशस, यहाँ पर देखिए पहली बात तो फर्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है कि मॉरिशस एक सिंगल आइलैंड को बोलते हैं। ठीक है, मॉरिशस इज नॉट कंबाइंड, एक टाइप का मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नहीं है, ये सिंगल आइलैंड प्रेजेंट है। सेकंड चीज जो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए इसके अंदर से क्या होता है, 20 डिग्री पास करती है और 57 डिग्री पास करती है। इसका मतलब क्या है, देखिए ना ही इसके अंदर से कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ना ही इक्वेटर, कोई भी इंपॉर्टेंट जो हमारा लैटिट्यूड है वो इसके अंदर से पास नहीं करता। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो ये दो चीज थी, आपको ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रॉपरली आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो मॉरिशस का मैप था प्रॉपरली समझ आ गया। अब देखिए इसमें रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ने जो लॉन्च किया है उसमें टोटल तीन चीजें लॉन्च करने की बात की गई है, मतलब जो मॉरिशस के अंदर बनानी है उसको इंडिया बनाएगा। फर्स्ट चीज कि मॉरिशस का एक सिविल सर्विसेज के लिए एक टाइप का कॉलेज बनाना है। सेकंड चीज वहां पर एक फोटोवोल्टिक फार्म बनाना है, इसका मतलब क्या है, 8 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक फार्म का मतलब है कि वहां पर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होने स्टार्ट होगी एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 8 MW। ठीक है, इससे मतलब इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा एक बार में। अब ये जो चीज लॉन्च की गई थी COP26 जो ग्लासगो का मीट हुआ था, ठीक है, उसी टाइम में इस चीज को लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर, और उसके बाद इंडिया एक्चुअली ये शो करना चाहता है कि सोलर एनर्जी के मतलब अंदर इस पर्टिकुलर फील्ड में डिफरेंट कंट्रीज मिलकर किस तरीके से कॉपरेशन कर सकती है और कितना बेनिफिशियल ये हर एक कंट्री के लिए होगा, इसी चीज के लिए इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज को अपने हाथों में लिया है। इसका मेन एम क्या होगा, इसका मेन फायदा क्या होगा कि जो कार्बन के जो फुटप्रिंट्स हैं और जो एनर्जी कॉस्ट है इन सबको यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब वो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा मॉरिशस के अंदर से बेसिकली, और ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। ठीक है, और ये किस चीज का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको याद होगा इंडिया ने इस चीज को लॉन्च किया था, ठीक है, 2015 के अंदर लॉन्च किया था अलॉन्ग विद फ्रांस, इन दोनों कंट्री ने यहाँ पर इस चीज को साथ में लॉन्च किया था, और रिसेंटली काफी ज्यादा जो मतलब कंट्रीज है वो इस चीज में इस चीज के मेंबर्स बन चुके हैं, टोटल 101 मेंबर्स इसके हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, लेटेस्ट मेंबर यूएसए। ठीक है, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो मॉरिशस और इंडिया है दोनों ने मिलकर कुछ स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पर प्रॉपर्ली वो करने के लिए बनाने के लिए इस चीज का दोनों ने साथ में मिलकर कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। इसके अलावा देखिए मॉरिशस के अंदर एक मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट बनाना है, इस चीज के लिए भी बात की जा रही है, जहां पर इंडिया जो है मॉरिशस की हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को, यहाँ पर देखिए इस चीज को यहाँ पर वो करना है, एक्सटेंड करना है। आपको ध्यान रखना है मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है मॉरिशस के अंदर, इस चीज को एक्सटेंड करने की बात की गई है, जहां पर टोटल $190 मिलियन जो है मॉरिशस को दे रहा है इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में। व्हाट इज लाइन ऑफ क्रेडिट, बेसिकली एक टाइप का ऐसा पैसा होता है जो कि मॉरिशस, देखिए एक टाइप का लोन की तरह ही है, लेकिन इस पैसों को जो मॉरिशस है सिर्फ यहां पर मेट्रो बनाने के लिए यूज कर सकती है, किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए जो इंडिया ने जो मॉरिशस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है इस चीज को ऑनर करने के लिए, इस चीज को यहाँ पर रिस्पेक्ट करने के लिए, जो मॉरिशस है उसने ये बोला है कि जब वो मेट्रो बनाएंगे तो उसके अंदर एक स्टेशन का नाम है महात्मा गांधी के नाम पे,
मतलब रखना चाहते हैं, ठीक है. दिस इज द ऑनर दैट दे आर ट्राइंग टू गिव टू इंडिया. इसके अलावा जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई इंडिया, इसको ऑलरेडी इंडिया ने इनॉग्रेट कर दिया है, अलॉन्ग विद जो मॉरिशस का जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और वहां पर एक हॉस्पिटल बनाया गया जो यानी कि ईएनटी यानी कि ईयर नोज और थ्रोट का जो हॉस्पिटल बनाया गया है, इन सब चीजों को भी यहां पर ऑलरेडी इनॉग्रेट किया जा चुका है इंडिया के द्वारा. देखिए जो मेट्रो ट्रांजिट है, जो ये मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ऑलरेडी अराउंड 5.6 मिलियन पैसेंजर्स डेली बेसिस पे वहां पर ट्रैवल करते हैं. इसी चीज को यहां पर एक्सटेंड करने की बात की जा रही है ताकि इस चीज को यहां पर और ज्यादा इंक्रीज किया सके, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट एक्चुअली वहां पे ऑलरेडी बना हुआ है. अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें तो इंडिया और मॉरिशस जैसा हमने देखा, देखिए अगर इंडियन ओशन देखेंगे तो दिस इज इंडिया, ठीक है. यहां पर थोड़ा सा वो है मालदीव से, और काफी नीचे यहां पर मेडागास्कर के जस्ट पास में मॉरिशस प्रेजेंट है. तो बेसिकली हम दोनों इंडियन जो ओशन है, दोनों मतलब इंडियन ओशन का ही पार्ट है, इसलिए हमारी कल्चर, हमारे मैरिटाइम एंसेस्ट्री और हमारी लैंग्वेज, ये सब के सब काफी ज्यादा यूनाइटेड, काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं. अब इसके अलावा जब इंडिया ने 2021 के अंदर मैत्री प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जब यानी कि जब बेसिकली इंडिया ने जब वैक्सीन बनाना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद इंडिया ने डिफरेंट जो कंट्रीज थी आसपास में उन सबको वैक्सीन देना स्टार्ट किया था, उसके लिए इंडिया ने मैत्री प्रोग्राम स्टार्ट किया था. उसी के अंदर मॉरिशस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसको इंडिया ने वैक्सीन प्रोवाइड किया था. अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो मॉरिशस की 3/4 से ज्यादा पॉपुलेशन जो है ऑलरेडी पूरी तरीके से फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है, ठीक है. और जो बाकी है उसको भी इंडिया काफी हेल्प कर रहा है उनको वैक्सीनेट करने के लिए. इसके अलावा इंडिया ने मॉरिशस के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने में भी काफी ज्यादा हेल्प की थी, जिस चीज को पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया गया है. देखिए ये जो प्रोजेक्ट्स है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एक्चुअली ये प्रूव करते हैं कि जो इंडिया के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर इंडिया जिसको अंडरटेक करता है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया के जो रिलेशनशिप है डिफरेंट कंट्री के साथ वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं और काफी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं. अगर आप फ्यूचर प्लान्स की बात करेंगे इंडिया और मॉरिशस के बीच में, उसमें चार और चीजें बनाने की बात की जा रही है जो कि इंडिया जाकर मॉरिशस के अंदर बनाएगा. पहले उनकी पुलिस अकेडमी को बना रहा है, ठीक है. जिस तरह हमारा जो आईपीएस का जो अकेडमी है उसी तरीके से मॉरिशस का जो पुलिस अकेडमी है उसको यहां पर बनाने की बात की जा रही है. सेकंड चीज, वहां पर एक नेशनल लाइब्रेरी और एक नेशनल आर्काइव्स बनाने की बात की जा रही है. व्हाट इज ये आर्काइव्स क्या होते हैं? आर्काइव्स बेसिकली ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको यहां पर प्रॉपर्ली रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, ठीक है. दे आर कॉल्ड एज आर्काइव्स. तो नेशनल एक लाइब्रेरी और एक नेशनल आर्काइव्स जो है वो मॉरिशस के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है. थर्ड, मॉरिशस है उसके अंदर एक फॉरेंसिक साइंस का लैब बनाया जाएगा जो कि इंडिया बनाएगा. फोर्थ चीज, वहां पर एक रीनल ट्रांसप्लांट का एक यूनिट बनाया जाएगा, ठीक है. तो ये चार चीजें जो है इंडिया और मॉरिशस के बीच में फ्यूचर के प्लान्स है, ठीक है. तो ये हमने बात की सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में. आई होप आपको चारों टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे. नाउ आज के टॉपिक के बेस पे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं बेसिकली डिविजन के फॉर्म में. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अमर जवान ज्योति फ्लेम हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड रिसेंटली. सेकंड क्वेश्चन इज कि जो अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट हैज नेम्स ऑफ ऑल सोल्जर्स मार्टियर्ड सिंस 1947. थर्ड क्वेश्चन इज, लिविंग रूट ब्रिजेस रिसेंटली गॉट द यूनेस्को स्टेटस फॉर कंजर्वेशन. फोर्थ क्वेश्चन इज कि जो वर्चुअल रियलिटी है इट यूजेस फुल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, व्हाइल जो एआर है यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी इट मॉडिफाइज द प्रेजेंट एनवायरनमेंट. द लास्ट क्वेश्चन इज, इक्वेटर पासेस थ्रू मॉरिशस. ठीक है, ये पांच क्वेश्चन है जिसको आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में कोशिश करनी है. नाउ जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि ओबीसी जो है यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, दे हैव बीन गिवन 15% रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा इन नीट. जी नहीं, ये कल स्टेटमेंट आपको ध्यान होगा, ये टोटल 27% दिया गया, ठीक है. इतना है, 15% यहाँ पर दिया गया एससी को, 7.5% दिया गया एसटी को, एंड ओबीसी को यहाँ पर 27% दिया गया, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, यंगर पॉपुलेशन शेयर इन कोविड केसेस इन 2021 हैज रोज टू मोर देन 20% ड्यू टू ओमिक्रॉन. जी नहीं, देखिए इंक्रीज हुआ इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहां पर इंक्रीज हुआ अराउंड 11% के आसपास में. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, 20% तक अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, एंड मतलब ऐसा हो कि हम यहां तक नहीं पहुंचे, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज, मेघालय वाज गिवन स्टेटहुड इन 1972. यस, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट, आपको ध्यान रखना है. मेघालय को 1972 में स्टेट बनाया गया था, इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम. असम जो एक स्टेट ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर से उसको कार्व आउट करके एक नया स्टेट बनाया गया था. फोर्थ क्वेश्चन वाज दैट रीभोई डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन असम. जी नहीं, आपको याद होगा कल हमने बात की थी रीभोई जो यानी कि देखिए खासी, जयंतिया और गारो और रीभोई, ये चारों ऐसे प्लेसेस है जो कि मेघालय के अंदर प्रेजेंट है, असम के अंदर प्रेजेंट नहीं है. एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज, यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैव नॉट बीन अलाउड इन बिलो 18 पॉपुलेशन इवन वेरी सिवियर केसेस. दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट. ऐसा देखिए, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली गाइडलाइंस निकाले हैं कि केस की सिवियरिटी कितनी भी ज्यादा क्यों ना इंक्रीज हो जाए, बट 18 से नीचे की लोगों के अंदर, तो बच्चे हैं उनके अंदर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है. तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे. और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.